आई एम एफ पारां पाकिस्तान जी तरक्याती बजट ते खर्चनि जो इज़हार आलमी मालियाती फंड जे पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान जी तरक्याती बजट ते खर्चनि जो इज़हार रिपोर्ट में चयो वियो त पाकिस्तान जे तरक्याती बजट नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे उन ते नज़रसानी कई वञे समूरनि तरक्याती मनसूबनि खे मुकमल करण लाइ 10.7 ट्रिलियन रुपया घुर्बल आहिनि तरक्याती मनसूबनि जी फंडिंग ऐं हलंदड़ साल जी बजट 727 रुपयनि खां 14% वधीक आहे गुज़िरियल बजट में हुकूमत 2.3 ट्रिलियन रुपयनि जा नवां तरक़ियाती मनसूबा शुरू कया मनसूबनि जी मंज़ूरी खां अॻु टेक्निकल असेसमेंट ज़रूरी आहे मनसूबनि जी चूंड लाइ 5 साला पॉलिसी जोड़ी वञे तरक़ियाती मनसूबनि खे फंडसारी करण जो तरीक़ेकार बि तयारु करे पब्लिश कयो वञे मुल्क शफ़ाफ़ चूंडनि तरफ़ वञी रहियो आहे पीपल्स पार्टी इलेक्शन जे लाइ तयारु आहे मुख्य इलेक्शन कमीशन ते पूरो एतमाद आहे त चूंडूं शफ़ाफ़ नमूने कराई वेंदियूं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त पीपी वाहिद जमात आहे जेका हर तरह जे माहौल में चूंड विढ़ण जी सलाहियत रखे थी मूंखे पूरो यकीन आहे त आम चूंडनि में पीपल्स पार्टी मुल्क जी अक्सरियती जमात बणिजी साम्हूं ईंदी मुल्क जो माहौल हिन वक़्तु चूंडनि लाइ साज़गार आहे इलेक्शन वक़्त ते थियणु घुरिजे ॿ हज़ार 2018 में हिकु शख़्स खे मुल्क मथां मड़ी मैशत जो जनासो कढियो वियो उन शख़्स सिर्फ़ इंतकाम जी सियासत खां सवाइ अवाम लाइ कुझु न कयो नून लीग अॻवान मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त मुस्लिम लीग ऊची क़यादत खे सियासी इंतकाम जो निशानो बणाए वियो नवाज़ शरीफ़ खे पुट खां पघार न वठण ते नाहिल करार ॾिनो वियो शहबाज़ शरीफ़ आयशा ना रेफरेंस केस में सरख़रू थियो शहबाज़ शरीफ़ जे दौर में महांगाई ते ज़ाब्तो आंदो वियो हो दूसरे को बताने की क्या जरूरत है कि ये फूल है इनको ना तोड़ तोड़ के मत फेंको जैसे फातिमा को फेंका गया फातिमा जैसे केस को आप जमीन के अंदर या कार्पेट के अंदर मत जाने दें ठीक है हम यहाँ 3 महीने 2 महीने पता नहीं कितने दिन रह गए हैं 8 फरवरी तक हमारे बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है आप तो ब्रेकिंग न्यूज आई एम सॉरी बट जो चीज़ बिकती है वही सुनी जाती है ना जी कुछ अरसे बाद ये न्यूज़ नहीं बिकेगी और ये ख़त्म हो जाएगी बाकी केसेस की सर और अगर आप सारे मिलके इसका साथ दें एक दफ़ा सही सज़ा हो गई तो आइंदा किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई उंगली उठा सके रानीपुर जी पीराणी हवेली में मुबीन आज़ादी बाद कतल कयल मासूम फातिमा जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर सिंध जे सिहत वारी निगरान वसीर डॉक्टर साद ख़ालिक जो चवणु आहे त फातिमा फुरड़ो वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे सज़ा मिलणु घुरिजे वाक़े खे विसारण न घुरिजे रिवायती तौर कुझु वक़्तु मीडिया मामले खे उजागर कंदी आहे ऐं बाद में असांजो समाज अहिड़नि वाक़नि खे विसारे छॾींदो आहे निगरान सरकार जे वञण खां पोइ बि वाक़े जे जवाबदारनि जो पीछो जारी रहणु घुरिजे फातिमा वाक़े जे जवाबदारनि खे सज़ा मिली वई त ॿीहर केर बि अहिड़ो ॾोह न कंदो इसराइल जा फलस्तीन ते हमला जारी अस्पतालनि स्कूलनि ऐं मुआजर कैंपनि खे निशानो बणाए पियो बोरेज पनाकीर कैंप ते हमले में फलस्तीनी साफ़ी सुधो केतिरा ई माण्हू शहीद तलिस्तार स्कूल ते हमिलो अलफ़ारा स्कूल ते बमबारी में 200 माण्हू शहीद थी विया कसा में हेल ताईं शहीद थियण जो अघु 12,300 खां वधी वियो फलस्तीनी सदर जी अमेरिका खे गज़ा में हमला रोकण जी अपील महमूद अब्बास जो चवणु आहे त सदर बाइडन हमला रोकण लाइ इसराइल ते दॿाउ विझे गज़ा जी पूरी पटी तबाह थी चुकी आहे स्कूल पनागाह अस्पतालूं ऐं घर मिटीअ जो ढेर बणिजी विया आहिनि होॾां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन याहू जो चवणु आहे त गज़ा खे फलस्तीनी इख़्तियारनि हवाले नथो करे सघिजे फलस्तीनी अथॉरिटी जी गवर्निंग बाबति अमेरिकी मनसूबो अमल जो गुनाहे जंग खां पोइ बि इसराइली फ़ौज गज़ा में मौजूदु रहंदी सिंध जे मेडिकल डेंटल कॉलेज सही यूनिवर्सिटीज़ में बीएड दाखिला लाइ एंट्री टेस्ट 41,000 उम्मीदवार एमडीकेट इम्तिहान में हिसो वरितो कराची जे एक्सपो सेंटर जामशुरु जे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस शेख बिन नज़ीराबाद जे बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐं लाड़काणे जे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एंट्री टेस्ट वरिती वई
सिंधई बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहर मेटो महंगो हैदराबाद में फी किलो टे अग से 10-12 रुपये इजाफो 10 किलो टे के थैले की कीमत में 1350 का वधी 1470 रुपया थी वही। कोयटा में अटे के 20 किलो थैले से 120 रुपये इजाफो कीमत 2750 का वधी 2880 रुपया थी वही। बारण के आलमी दिहाड़े से कराची में स्कूली शागिर्द शागिर्दन पारा रैली निगरान बंदोबस्ती जस्टिस रिटायर्ड मकबूल पाक शरीक समुंड किनारे रैली में स्कूली बारण की वे अंग में शिरकत निगरान वे वसी चो बारा असाजा मामूर ए मुल्क जो मुस्तकबिल बारण के हक ने बहबूद लाइसेंस सरकार भरपूर कदम खड़ी रही है। नौकोट बरसान ट्रक के बाह लगण सबब जणा सड़ी फोत गोट पदरो सुमरा बरसान ट्रक के बाह लगण सबब रजब शकील पठान सड़ी फोत इलाके वासन पहुंची ट्रक में लाश पड़े अस्पताल मुंतकिल कया इलाके वासन मौजूद इतला बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो बाह स्टार्ट लाई न पोतो पुलिस चुनाव ट्रक में टे जणा सवार हुआ सड़ी फोत लैण जो तालुक हैदराबाद से है। दादू बरसा पवन खोसा बिरादरी की बिंदुरन में झेड़ो एक जणो माची वो टे जणा जख्मी धुरेन में झेड़े दौरान जवान असगर पवर माची वो नजम खोसो नूरसन खोसो औरत इस्लाम खातू जख्मी वाके बाद जवान जो लाश जख्मी के दादू अस्पताल मुंतकिल कर हैदराबाद के लतीफाबाद नंबर 10 में हथियारबंद की फायरिंग में नौजवान मारी पो लतीफाबाद की लानी मस्जिद बरसा मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद गोलू हणी नौजवान फराज के कतल कर छो वाके बाद जवाबदार फरार लाश अस्पताल मुंतकिल। मुझो सा हुआ सिंधु सापो सिर लगे है सिंधु सापो सिर लगे सिंधु सापो सिर लगे है सिंधु सापो सिर लगे। धरती टीवी ए सो मीडिया ग्रुप तरफा 8 दिसंबर से सकाफत दिहाड़ो मल्हाण वारे ऐलान पास सकाफती सरगर्मियों तेज मुख्तलिफ शहर में सकाफती रचरकी प्याद तकरीबन दौरान बारन तरफा टेबलोस पेश धरती असा प्यार ए मोहब्बत जो इसार 3 दिसंबर से सकाफती दिहाड़ो भरपूर अंदाज में मल्हाण जो अज़्म आईसीसी वर्ल्ड कप बरसा टेवी जो फाइनल अहमदाबाद में मेजबान भारत ए ऑस्ट्रेलिया जो टीमों आमू सामू मैच दौरान ऑस्ट्रेलिया टॉस कटी पेरी बॉलिंग जो फैसलो कयो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पेरी मरले में समूरे नव टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के शिकस्त दिनी हुई ऑस्ट्रेलिया शुरू में ब मैचिस हारण का 8 मैचिस में कामयाबी हासिल कर फाइनल में पोती हुई।